आज है जैद की राइस सेरेमनी। हाँ जी, आपको भी खाने की। आर यू एक्साइटेड फॉर राइस सेरेमनी? जी भाई, बार तेरे में अक्ल लगी नहीं है। तो देखते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, फर्स्ट टाइम खीर खाएगा। ये ऐसे कर रहे हो, ये क्या कर रहे हैं, इसने ऐसे करा। देखो, कूड़ा फेंकना एक अलग बात है, बट यूज पैड फेंकना रोड्स पे ये बहुत ही ज्यादा गंदी बात है, ऐसे मत करो प्लीज यार, बच्चे भी होते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो डे है बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज है जैद की राइस सेरेमनी। काफी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे सेरेमनी का, फाइनली उसका दिन आ गया। तो अभी बज गए सुबह के 11 और जो प्रिपरेशन है कुछ भी नहीं हुई है, तो सारी मेरे को और पायल को करनी है। साथ ही साथ डेकोरेशन वाले को भी बुलाया है कि छोटी सी प्यारी सी डेकोरेशन कर जाए। सुबह सुबह क्या हो गया? ये ज्यादा भर दिया तूने, सुबह सुबह हमारा वार्डरोब गिर गया गाइस। तो गाइस दोपहर के बज गए हैं अभी 1 और मैं और पायल अभी गए थे जिम, और जिम से वर्कआउट करके आए हैं, बहुत ज्यादा थक चुके थे, बहुत ज्यादा। तो बस डेकोरेशन वाले भी आ गए हैं और अभी डेकोरेशन होगी राइस सेरेमनी की। तो गाइस फिर से घर में डेकोरेशन होने शुरू हो गई है। क्यों होने लगी? पहले हमने सोचा था कि हम तीनों बच्चे का अन्नप्राशन एक साथ करेंगे, फिर हमने ये सोचा कि नहीं, अभी जो है तूबा और हमारा आयान छोटा है तो अभी उनका नहीं करेंगे, आज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ जैद का अन्नप्राशन। और सूरज भैया रेडी हो जाना, ठीक है, कुर्ता पजामा पहनना, आज आप करोगे ना, आप करोगे ना उसका अन्नप्राशन, ठीक है। तो सूरज भैया को भी मैंने बता दिया है कि वही खिलाएंगे, क्योंकि कन्नू का आना मुश्किल हो जाएगा दिल्ली से। तो बस सेरेमनी की तैयारियां शुरू है, खीर बन चुकी है जिसका टेस्ट हम भोग जो है आज उसको लगाएंगे। तो गाइज ये है वो टेस्टी खीर जिसका भोग लगाएगा आज हमारा जैद। हाँ जी, आपको भी खाने की खीर खानी है, आपको भी अगले महीने खिलाऊंगी आपको। तो गाइस आपको सभी को पता है कोई भी डेकोरेशन होती है हमारे घर में तो हम हमेशा डेकोरेशन करवाते हैं ड्रीम मेकर से। इनका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैं वो डाल रही हूँ, अगर आपके घर में कोई भी डेकोरेशन है जैसे बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, बच्चों का कोई भी मतलब सेलिब्रेशन, तो आप इनको बुला सकते हो, बहुत ही प्यारी डेकोरेशन करते हैं। तो अभी आप ये रॉ देख रहे हो, और बहुत ही जल्द ना हमारे डायमंड प्ले बटन की पार्टी भी होने वाली है, वो ग्रैंड पार्टी होगी, उसकी डेकोरेशन तो मतलब अभी तक ऐसी डेकोरेशन नहीं देखी होगी आपने, ऐसी होने वाली है, उसके लिए लगेगा टाइम। पर आज जो है अन्नप्राशन की सेरेमनी का पूरा डेकोरेशन ये लोग संभाल रहे हैं। तो गाइस ये है अभी रॉ, और यहाँ पे होने वाली है बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन, जिसके लिए आ गए हैं यहाँ पे फ्लावर्स, रोज पेटल्स है, गेंदे के फूल है, येलो वाले फूल है। तो अभी बस वेट एंड वॉच, 1-1.5 घंटा लग जाएगा और बहुत ही प्यारी डेकोरेशन आपको दिखेगी। और पायल का भी ना शावर हो गया, और जो मेरी डेकोरेशन है पीछे का मतलब पूरा सेटअप है वो हो गया रेडी। तो अभी फ्लावर से राइस सेरेमनी लिखी जा रही है, उसके बाद मैं और पायल जो तैयारियां वो करते हैं कंप्लीट, और राइस सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं। आर यू एक्साइटेड फॉर राइस सेरेमनी? नो। व्हाई नो? सभी क्या होने वाला है? नहीं, जी भाई ये बार बार दो पायल जी देख रहे हैं, देखो देखो कितनी बड़ी जीभ निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं करते जी, देख देख, ओ लुक एट योर टंग, देखो भाई टंग कैसे निकालते हैं, निकालो जी, ज्यादा भी है, बहुत लंबी जुबान है, बहुत लंबी जुबान बोलते हैं शे। पायल तीनों के कपड़े सही लग रहे हैं ना, ये तीनों को पागल है कि ये कपड़े थोड़ी बनाने हैं? क्यों, इसकी पहली सेरेमनी है, पहली बार ही कुछ खाएगा, तेरे में अक्ल लगी नहीं है? फिर कुर्ता पजामा निकाल इसका नया, तो तीनों के निकाल रही, इसका सूट निकाल देती हूँ, इसका सूट सूट तो कहाँ आएगा, लाल वाली फ्रॉक बना देते, इसकी फ्रॉक निकाल देती, वो फेरी टेल वाली नहीं है जो पीछे से, बड़ी सुंदर है वो बना देते हैं, इन दोनों को कुर्ता पजामा बना देते, ठीक है। तो बच्चों की नेहा मासी है ना, उन्होंने कपड़े भिजवाए थे, ये फ्रॉक भिजवाई थी तूबा के लिए स्पेशली, तो उस टाइम पे ना तूबा को बहुत बड़ी फ्रॉक थी है, तो आज हमने निकाल ली। और ना ऐसे फंक्शंस में ना यही चीजें अच्छी लगती है, फ्रॉक हो गए, कुर्ते पजामे हो गए, बच्चों पे बहुत प्यारे लगते हैं। तो गाइस आज गोलू का आई मेकअप करने का मन नहीं कर रहा था, उसने कहा तूने अच्छी किया है तो अपनी जैसी कर दे, तो फिलहाल मैं गोलू का आई मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि आज मम्मा के बच्चे की राइस सेरेमनी है। तो यहाँ आ चुका है हम लोगों का दोनों का बॉर्नविटा वाला दूध, साथ में मैंने अभी वाला जो है सूट पहना था, पर ये सूट ना बहुत लोगों ने पहन लिया है, तो मैं ये नहीं पहन रही हूँ, मैं पहन रही हूँ ये वाला, मैं और गोलू दोनों सेम पहन रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो सूट है ना ये लग भी ना ऐसा रहा है कि पार्टी वेयर है, घर में फंक्शन है ना, तो उसके हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है। इसको देख के पहले ऐसे फीलिंग आ रही है नवरात्रि वाइब्स नहीं होती, वैसे वाली कि जैसे नवरात्रि का फंक्शन चल रहा है एकदम, एडवांटेज ही हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा हम लोगों के अब उसमें मेजरमेंट में फर्क हो गया ना, और ये दोनों बराबर आए हैं। अच्छा फूड खिलाएंगे, चोनू का अन्नप्राशन करेंगे, आज हम चोनू को कुछ खिलाएंगे, सोनू ने दाई इसलिए मैंने थोड़ा नीचे कर रखा है इसको, चोनू को भी लेदी करेंगे। गाइस यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सजा दिया है, इनमें से वैसे तो कुछ नहीं खाने वाला जैद, लेकिन जो जो हमने देखा है ना कि तैयारी में जो जो करते हैं वो मैंने यहाँ लगा दिया है, ड्राई फ्रूट लगाया है वहाँ पे, नमकीन बिस्किट वगैरह जो भी बच्चों को होगा, अभी मिठाई मंगाई है, मिठाई भी लगानी है, फिर ये जो हो गए प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी, फिर चिकू पापा और बच्चे के मामा आ जाएंगे, फिर हम करेंगे राइस सेरेमनी।
रानी भी रेडी हो रही है शेरी मनी के लिए न्यू फ्रॉक। तो गाइज यहाँ पे जो है जैद बिल्कुल रेडी है अपना अन्नप्राशन के लिए, आज ये कुछ टेस्टी टेस्टी खीर खाने लगे। और जैद के साथ ना उसकी टीम भी रेडी हो गई है, क्योंकि देखो जहाँ जैद वहाँ उसकी टीम, तो पूरी टीम रेडी है। पीछे अयान है, यहाँ पे है तूबा, इसके एक्सप्रेशन तो देख ले। तूबा आर यू रेडी फॉर द पार्टी? अच्छा ऐसी पहली पार्टी होगी जिसमें बच्चे जाएंगे बट कुछ खा नहीं पाएंगे। सही बात है, क्योंकि तूबा अयान को अगले महीने खिलाएंगे। बोलो क्या बोलना है, गाना सुना। वो ये कह रहा है थैंक यू सो मच गाइस, आज मेरी सेरेमनी है, सिर्फ मैं ही बोलूंगा पूरे ब्लॉग में, कोई और नहीं बोलेगा। इसके पापा कुछ बोलना चाहते हैं जैद की बात सुनके। पापा को पहले खाना खिला रखा है उन्होंने कि बोलूं ना मैं, बच्चों का खाना ना खाऊं, मुंह भर रखा है इनका। इतना सारी चीजें है ना यहाँ पे, इतनी अच्छी अच्छी चीजें, मिठाइयां है, चौकोस है, बिस्किट है, सब कुछ है, पर जैद सिर्फ और सिर्फ खीर खाएगा। और अभी देखो कितना एक्साइटेड है अभी भी। एक काम करो, एक जना इसको तूबा को ले लो, एक अयान को ले लो, पार्टी इनकी है ना, देर होने लग गई तेरी बात पे। इसको है ना अनप्राशन, तो पार्टी तो भी तो इनकी है, ये भी तो बैठेंगे। ठीक है बैठ जाओ बैठ। इसको पकड़, तूबा को पकड़ फटाफट। आज जैद ना व्लॉगिंग करने नहीं दे रहा, मतलब कि इसको पता चल रहा है ना जैसे मैं व्लॉग बना रही हूँ कुछ बोल रही हूँ अपना। चलो मम्मा आज खाएगा जैदू खीर, तो देखते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा। फर्स्ट टाइम खीर खाएगा बेटा हमारा, इसका पूरा ध्यान गाइस थोड़ी देर पहले यहाँ खीर पे था, अब देखते हैं। जल्दी खिलाओ गाइस, चलो क्लैपिंग करेंगे सारे। वो हाथ से पकड़े खाया, लो 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 लो, कैसा लगा खा रहे? जी पूरे बार ये ये सोच रहा है ये क्या हो गया आज, आज मुझे क्या मिल रही है, मीठा सा क्या है ये गाइस, क्या पहली बार खाया है ये आज। वो आप भी खिलाओ, मेरी आओ ना आप भी आओ, खिलाता हूं। ठीक है लड्डू खिला रहे हो तो क्यों, चलो लो पापा कुछ खिला रहे हैं आपको। कैसा है, कैसा लगा इसका स्वाद? ओ जीव से कैसे निकाल लिया, खाया है ना ना, इसे समझ नहीं आ रहा कुछ, खा गया, ओह खा गया, मुंह चल पड़ा। ये बढ़िया था, अच्छा बहुत बढ़िया था। आ जाओ भैया एक एक करके सारे आ जाओ। अब बारी है चीकू की, चीकू भैया खिलाएंगे, बस 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 इतना ही। अरे वाह भाई वाह, क्या मिल गया आज तो, आज कहाँ खोया हुए ये टेस्ट देख, वाओ इसे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, कपड़ों में भी लगा हुआ इसके, कोई बात नहीं। और मांग आ गया, आ गया, आ गया। गाइस ये और मांग रहे, रो रहे हैं, कह रहे और चाहिए थोड़ा सा थोड़ा सा, जल्दी पूरा मुंह खोल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, देख 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 जीभ देखो इसकी, इसकी जीभ पता है बहुत तीखी है। हाँ और लो, और खाना है, ये लो ओए और मांग, बस बेटा ओए ऐसे कर रहा, इसने ऐसे करा, ओ इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, गुड आई लाइक दिस, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। इससे पता चल गया कि मुंह कैसे खोलते हैं, ये लो ये मांग रहे हैं। कैसी लगी? मैंने नहीं दिया, मैंने थोड़ा सा दिया गाइस, क्योंकि दो तीन बार खा चुका है, टच करा रही हूँ सिर्फ। कैसे है? इसको तो स्वाद आ गया भाई, अब इसने स्वाद पकड़ लिया, अब ये फीड करना बंद कर देगा, अब ये अभी पता चले खीर, मुंह खोलना तो इसको आता है। जैसी खीर मिलती है ना वैसे चुप हो जाता है। पापा ये मुझे ढंग से खिला नहीं रहे, चम्मच बना के दूर से ले जा रहे हैं। सही है, बस वो ज्यादा नहीं खिलाएगा बेटा, बीमार हो गए। गाइस फाइनली सेरेमनी हो गई है, हमारे बच्चे ने आज चाट चाट के जीभ निकाल प्यारा रिएक्शन था ना, मतलब कि कल ही कमेंट आया था कि ना जैद का रिएक्शन नोट करना, पहली बार कुछ खाए तो और इतना प्यारा रिएक्शन मिला, और ऐसे आगे जाके हम दोनों बच्चों की और करेंगे सेरेमनी और फिर आपको दोबारा खिलाएंगे, आपके तो डबल डबल पार्टी। आपने तो बहुत जीभे निकाल निकाल के खाया आज तो, अभी भी देख लगी हुई है खीर। और खाना है क्या? पापा ने तो इसे और भी दूसरा टेस्ट कराया लड्डू का, मुंह अभी भी खुल रहा है, और खा लिए और खा लिए, आज तो गाना भी, हम लोगों ने गाना का बजाना नहीं किया ना, तो यही गा रहा था। हाँ बस।
तो गाइज हम लोग आज पहुंच चुके हैं वीआईपी मार्केट। यहाँ पे आपने हमें बहुत बार आते हुए देखा होगा कुछ शॉपिंग करने या कुछ, तो हमने ये सोचा कि सबसे पहले ज्यादा लोग ना यहीं आते हैं तो यहाँ जो है ज्यादा कूड़ा हमें मिलेगा, तो हमने यहीं से मुहिम को स्टार्ट करने का सोचा है और ठाना है। तो मैं और गोलू बाकी सारी टीम जो हमारी मास्क लगा चुकी है सिर्फ ग्लव्स पहन लेते हैं और शुरू करते हैं इस मुहिम को जो मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। मोदी जी देखो जब इतने बड़े इंसान इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और मैं चाहती हूँ जितने भी क्रिएटर्स हैं सोशल मीडिया क्रिएटर्स, क्योंकि हमें बहुत दुनिया देखती है बहुत दुनिया, तो कोई ऐसा काम करो जो सबके लिए बहुत जरूरी है बहुत अच्छा हो। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मेरी तरफ से आप सबको मैसेज है जो हम कर रहे हैं वो चीज आप भी अपने पेजेस पे अपने यूट्यूब पे इंस्टा पे आप करिए और लोगों को दिखाइए कि लोग भी ये कर सके। तो गाइस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं खाने पीने की शॉप के बाहर से क्योंकि सबसे ज्यादा कूड़ा होता है ना वहाँ पर होता है, अक्सर लोग खाते हैं और खा के वहीं फेंक देते हैं। तो पायल चले वहाँ पर, चलो चलो। और पता है गाइस यहाँ पर ना मैं और पायल आते रहती है, चलो जैसे वहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, अब उन्होंने खाना जहाँ खा रहे हैं ना वहीं नीचे डिस्पोजेबल भी पड़े वो भी। तो इनके जब सामने से हम खुद उठाएंगे ना तो इनको भी शर्म आएगी कि ये चीज इन्हें नहीं करनी चाहिए। अगर वो कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं तो वो एटलीस्ट खाने के बाद वो डस्टबिन में डाल सकते हैं। चीकू उठा रहा है, वेरी गुड पायल। मेरे साथ तो हमेशा कुछ ना कुछ मैं स्टील की प्लेट बन जाती मुझे लगा कि वहाँ पे ना प्लास्टिक की प्लेट है तो ध्यान दिया वो तो स्टील की थी। चीकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, जैसे ही कूड़ा देख रहे हैं उठाने लगी हूँ, कह रहे मम्मा मैं उठाऊंगा। ध्यान से। तो देखो यहाँ पे ना एक जूस की दुकान है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, इन्होंने वहाँ पे दो क्रेट रखी हुई है उसमें जो भी जितना भी जूस वूस वो लोग पीते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो उन्होंने वहाँ पे कूड़े के लिए साइड में वो रखा है, तो इनकी बहुत अच्छी बात है कि ये बाहर कूड़ा नहीं फैला रहे हैं। बाकी लोग जो है अपने खाने की चीज, देखो अभी आइसक्रीम खाई है किसी ने और आइसक्रीम का पेपर यहीं पड़ा हुआ है, ठीक है कूड़े में डालो। तो कूड़ा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है आपको, जगह जगह यहाँ पे कूड़ा दिख ही रहा है। तो आगे भी यहाँ पे कूड़ा है बहुत सारा क्योंकि कुछ लोग कुछ भी खाते हैं और फेंक देते हैं। तो ये कुरकुरे का रैपर, जीकू ये क्या कुछ फेंको फेंको कूड़े में फेंको। तो गाइस यहाँ पर मतलब कि ना कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। डिस्गस्टिंग क्या है कि यहाँ पे ना यूज पैड रखा हुआ था और चीकू को पता नहीं है वो चीज क्या है, तो चीकू ने पूछा क्या, मैंने बोला फटाफट बेटा थ्रो कर दो। देखो कूड़ा फेंकना एक अलग बात है बट यूज पैड फेंकना रोड पे ये बहुत ही ज्यादा गंदी बात है, ऐसे मत करो प्लीज यार। बच्चे भी होते हैं, डॉग्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, अगर ये चीज वो खाएंगे बीमार पड़ गए तो क्या। यहाँ पे डॉग्स इतने सारे होते हैं जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जिनकी हम सेवा कर रहे हैं आजकल, जिनको चोट लगे थे वो ऐसी चीजें खा के बीमार पड़ जाते हैं। तो ये पता नहीं कौन ऐसी लेडी है जो यहाँ पे इतनी भरी हुई मार्केट में ये चीज फेंक के गई है, पता नहीं। तो गाइस आज की जो राइस सेरेमनी थी ना इतनी अच्छी थी, इतनी बेहतरीन थी, मजा आ गया। पर राइस सेरेमनी के बाद ना मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया और कोल्ड ना सबसे बुरा होता है, मतलब आंखों में दर्द, सर में दर्द, कोई चीज का टेस्ट नहीं आता, ना खट्टा ना मीठा, कुछ पता नहीं चलता। तो बस अभी दवाई खा ली है और इस ब्लॉग को ना यही एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।